ये देखो YouTube वीडियो इस तरह से भी कर सकते हो, वो भी फ्री। व्हाट इज अप Android टिप्स ट्रिक्स हैक्स टाइम। जैसे कि YouTube पे कोई वीडियो प्ले हो रहा है, पिक्चर इन पिक्चर मोड में करना है, फोन स्लो है, स्पीड सेकंड में डबल करनी हो। ए भाई बता बता भाई 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 मेरा भाई मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ये तो कुछ भी नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ऐसे मस्त मस्त टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया हूं, सुपर यूजफुल, आपने सोची ना होगी। नंबर वन, आप लोग कई बार यूट्यूब पे ऐसे वीडियो देखते हो, होम बटन दबाते हो, जो म्यूजिक है वीडियो है वो पॉज हो जाता है। आप भी सोचते हैं यार कोई ऐसा तरीका बैकग्राउंड में चले, फ्लोटिंग विंडो आ जाए और हम दूसरे काम भी कर पाए, जैसे चैट, सर्चिंग। वैसे देखो यूट्यूब ऐप में ये ऑप्शन तो है, पर इसके लिए पैसे लगते हैं। पैसे तो नहीं है, बट ये चीज आप फ्री में कर सकते हो। YouTube वाला भी बोल रहा होगा धंधा बंद करवाएगा क्या। प्ले स्टोर पे जाके VLC मीडिया प्लेयर ये मिल जाएगा, इसे डाउनलोड कर लो। अब आप बोलोगे VLC मीडिया तो बैन हो गया। नहीं, बैन नहीं हुआ। एक्चुअली में VLC मीडिया प्लेयर का वेबसाइट बैन किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। अगर बैन होता प्ले स्टोर में अभी तक क्या कर रहा होता। फिलहाल के लिए प्ले स्टोर में है, एप स्टोर में भी है, यूज कर सकते हो। इसको ओपन कर लो और ये परमिशन दे दो फाइल एक्सेस की। नेक्स्ट नेक्स्ट मोर पे जाके सेटिंग पे क्लिक करो, यहाँ पर बैकग्राउंड NPIP मोड मिलेगा, इस पर क्लिक करो। प्ले वीडियोस इन पिक्चर मोड पे सिलेक्ट कर दो, बस हो गया। तो देखो YouTube पे जाओ, जैसे ये वीडियो प्ले हो रहा है शेयर पे क्लिक करो, प्ले विद VLC पे क्लिक करो, यहाँ वीडियो आ जाएगा। यहाँ थ्री लाइन पे क्लिक करो और पॉपअप प्लेयर पे क्लिक करो, बूम। अब नॉर्मल आप फोन को यूज भी कर सकते हो और जो वीडियो है वो भी प्ले हो गई, और इसे आप कहीं भी ले जा सकते हो, ऐसा भी नहीं लगेगा, फ्री में काम हो जाएगा। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। नंबर टू, मान लो आप कोई म्यूजिक सुन रहे हो डीजे वाला, डीजे से याद आया मजा आया। वैसे डीजे राजेश के लिए एक लाइक। ये देखो म्यूजिक बज रहा है, बट यहाँ पर नीचे की साइड में देखो इफेक्ट देखने को मिल रहा है म्यूजिक के साथ, कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखो प्ले स्टोर में जाओ, सर्च करो मूवीज और एज, क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लो। उसके बाद म्यूजिक ओवरले पे क्लिक करना और यहाँ से माइक्रोफोन की परमिशन दे देना, ठीक है। किस तरह की एज लाइटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे ये देखो ये वाली एज लाइटिंग है, फिर आपको दूसरा देना लाइटिंग, फिर आपको फायर डांस अप्लाई हो गया, ये देखो यहाँ साइड में है ना, देखो साइड में देखो जो इफेक्ट्स हैं, लाइटिंग है, क्या मस्त लग रहा हो। हो नंबर थ्री, तो नेक्स्ट ट्रिक है वो इसी से रिलेटेड है। होता है ना कई बार आप अपने फोन से कोई वीडियो शूट करते हो, जो फुटेज है वो बहुत ज्यादा शेकी आता है, बहुत ज्यादा हिलता है, मतलब जो फुटेज है शेकी आता है उसको स्टेबलाइज करना है बिना कोई सॉफ्टवेयर के, बिना कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर एप्स के थ्रू इजीली कर सकते हो। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है स्टेबलाइज करना। वीडियो को देखो, यहाँ पे जाना आपके फोन में ये फोटोज नाम का एक ऐप होगा, इस पर क्लिक करना, वहाँ से वीडियो को सिलेक्ट कर लेना। देखो जैसे ये फुटेज बहुत ज्यादा शेकी है, मिलेगा एडिट पे क्लिक करना और यहाँ से ऑप्शन मिलेगा, ये देखो ये रहा स्टेबलाइज का, इस पर क्लिक करना, ये वीडियो को ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज कर देगा और आप सेव करोगे और उसके बाद देखो स्टेबलाइज करने का वीडियो कितना स्टेबल हो जाएगा। नंबर फोर, आप व्हाट्सएप तो चैटिंग करते होंगे, कई बार होता है ना मूड खराब हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, बेकार है भैया मैं तो टूट गया, आपको मन नहीं करता व्हाट्सएप चलाने का, बट क्या करें मैसेज आता है रिप्लाई तो करना पड़ेगा, रिप्लाई किया तो नाराज, रिप्लाई नहीं किया तो डबल नाराज, बात तो सही है। अब ऐसे में कई लोग क्या करते हैं, पूरा नेट ही ऑफ कर देते हैं, पूरा नेट ऑफ करने से फोन है वो तो डब्बा बन जाता है। तो कुछ लोग होते हैं व्हाट्सएप पे नेट ही ना चले, बंद रहे व्हाट्सएप जब तक मैं ओपन ना करूं, नेट तो ऑन हो सिर्फ व्हाट्सएप के लिए नेट बंद हो, ऐसा लगेगा बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा ही इजी है। कुछ नहीं करना, सेटिंग्स पे जाओ, कनेक्शन पे जाके डेटा यूसेज ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करो, मोबाइल डेटा ओनली एप्स, इस पर क्लिक करो। अब यहाँ नीचे जाओ, जो व्हाट्सएप है इसे सिलेक्ट कर लो और यहाँ से अलाउ बैकग्राउंड डेटा यूसेज इसको ऑफ कर दो, और जो व्हाट्सएप ओपन कर रखा उसे ऑफ कर दो, बस सिंपल। व्हाट्सएप में कोई भी आपको मैसेज करेगा, जब तक आप खुद व्हाट्सएप ओपन नहीं करोगे आपको मैसेज नहीं आएगा कोई, उसको लगेगा आप ऑफलाइन हो, बट आप तो एक्चुअली में ऑनलाइन हो ना, वेरी स्मार्ट। कई बार होता है ना आपके फोन में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, कम रैम होता है तो जो ग्राफिक्स है वो इतने अच्छे नहीं होते और फिर आप बोलते हो मजा नहीं आ रहा है। एक छोटे से सेटिंग से आप ग्राफिक्स इंप्रूव कर सकते हो, इससे गेमिंग करते वक्त आपको काफी तगड़ा ग्राफिक्स मिलेगा। सो सेटिंग्स पे जाओ, नीचे आके अबाउट में जाओ, यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करो, एक बिल्ड नंबर मिलेगा, इस पे आपको 7 टाइम्स टैप करना है, आपको लिखा हुआ आ जाएगा, फिर वापस आना अबाउट सेक्शन के नीचे या ऊपर आपको डेवलपर ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना और फिर यहाँ पे आके सर्च कर देना ForexMSMSAA, इस पे क्लिक कर देना और इसको यहाँ से इनेबल कर देना। सो सिंपल में समझाओ तो ये सेटिंग करेगा क्या, गेमिंग के लिए जो ग्राफिक्स है वो मैक्सिमम यूज करेगा, ऑफ कोर्स आपको बेटर ग्राफिक्स मिलेंगे, पर हाँ इसका एक ड्रॉबैक भी है, नुकसान भी है, बैटरी की ऐसी तैसी हो जाएगी, थोड़ी बैटरी फास्ट ड्रेन होगी, सह लेंगे थोड़ा सा। अगले टिप की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये उन लोगों के लिए है जो लोग आर्टिकल्स पढ़ते हैं, न्यूज पढ़ते हैं वेबसाइट में, आपको खुद से नहीं पढ़ना, गूगल असिस्टेंट से पढ़वाना है। मान लो आप गूगल न्यूज पे गए और यहाँ पर आपने कोई भी आर्टिकल देखा, आप ये जो आर्टिकल है खुद से नहीं पढ़ना चाहते, गूगल से पढ़वाना चाहते हो, गूगल असिस्टेंट को बोलना ओके गूगल, कहीं आपका गूगल तो नहीं खुल गया, देखो ओके गूगल रीड दिस आर्टिकल, ये देखो ये इसे एनालाइज कर देगा और उसके बाद ये रीड करने लग जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप प्लेबैक स्पीड कम या ज्यादा भी कर सकते हो, देखो
अगली जो चीज है तो इतनी सी बट बड़े ही काम की है। आपके फोन में कोई वीडियो पड़ा हुआ है उसे ऑडियो में कन्वर्ट करना है, फोटोज वीडियोस है उसे हाइड करना है, वो भी बिना कोई थर्ड पार्टी एप्स डाउनलोड करे। तो कुछ नहीं करना, अपने फोन के फाइल्स मैनेजर पे जाना, इंटरनल स्टोरेज में जाना, जहाँ पे भी वो फाइल है वहाँ पे चले जाना, ये वाली वीडियोस पे क्लिक करो, यहाँ मोर पे क्लिक करना है, पे रीनेम पे जाना, यहाँ से इसे MP3 कर देना और रीनेम कर देना। ये देखो ये जो फाइल है वो MP3 में बन जाएगा और ये एक्चुअली में प्ले होगा। अगर आपको वापस MP3 से वीडियो में कन्वर्ट करना है रीनेम कर देना, MP4 में रीनेम चेंज। अगर आपको कोई फाइल हाइड करना है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फाइल है उसको हाइड करना है, मान लो एक वीडियो है इसको आपको हाइड करना है, इस पे सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पे जाना, रीनेम पे क्लिक करना और यहाँ पे जो MP4 एक्सटेंशन है उसकी जगह पे कुछ भी नाम दे देना, ऐसा फाइल टाइप जो कभी एग्जिस्ट ही ना करता हो, रीनेम पे क्लिक करके चेंज कर देना, फाइल आ जाएगा। अब इसको कोई क्लिक करेगा लगेगा ऐसी फालतू का फाइल है, ये ओपन ही नहीं होगा और ना ही कहीं पे शो होगा। और जब आपको वीडियो चाहिए इस पे क्लिक करना, एक्सटेंशन को जो MP4 था MP4 कर देना और रीनेम कर देके चेंज कर देना, ये देखो वो फाइल आ जाएगी यहाँ पर। छोटी सी चीज है, बहुत से लोगों को पता है बहुत से लोगों को नहीं पता। लास्ट की दो टिप बची है, इसको तो बिल्कुल मिस मत करना, बड़े ही काम की है। और अगर आपको पसंद नहीं है मुझे कटवा दूंगा, एक सेकंड मुझे तो आती नहीं है। अगला जो टिप है ये गूगल क्रोम यूज करने वालों के लिए है। गूगल क्रोम तो है ना फोन में, क्रोम पे जाओ, यहाँ पे जाके सर्च करो क्रोम और फ्लैग्स, ये सर्च करना, ये कुछ बहुत सारी सेटिंग्स दिया होगा, इग्नोर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दिमाग आपको पढ़ाई में लगाना वहाँ लगाओ। हाँ तो बस दिल लगाओ, दिल जाके सर्च करना विजेट, ये ऑप्शन मिलेगा इस पे जाना, यहाँ से इसे इनेबल कर देना और आपको रीलॉन्च कर देना। अब देखो असली मजा, होम स्क्रीन पे जाओ, लॉन्ग प्रेस करो, विजेट्स पे क्लिक करो या नीचे आना, यहाँ पे ये क्रोम मिलेगा इस पे क्लिक करना, यहाँ पर आपको ये विजेट मिलेगा इस पे क्लिक करना और ऐड पे क्लिक करना। अब यहाँ पर देखो आप डायरेक्टली कुछ भी सर्च कर सकते हो, क्रोम में ओपन हो जाएगा, वॉइस सर्च करना है क्रोम में ओपन हो जाएगा, इनकॉग्निटो मोड भी आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, इनकॉग्निटो मोड समझ रहे हो। डायरेक्टली आप कैमरे भी ओपन कर सकते हो गूगल क्रोम में, गेम खेल सकते हो डाइनो, इस पे क्लिक करोगे आपके फोन में नेट चल रहा हो नहीं चल रहा हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जब आपका मन करे आप ये डाइनो गेम खेल सकते हो। ये देखो टैप ऑन डाइनो, चल 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 जंप जंप जंप। लास्ट सबसे तगड़ी ये उन लोगों के लिए है जिनका फोन खुद कह रहा है बंद करो, मतलब फोन बहुत स्लो हो गया है। No, God, please. तो उसे आप फास्ट कर सकते हो, 2x स्पीड कर सकते हो, इसे लोगों को नहीं पता। सेटिंग्स पे जाओ, अबाउट पे क्लिक करो, फिर इंफॉर्मेशन पे क्लिक करो, बिल्ड नंबर पे 7 times टैप करो। अरे आई नो दैट, ओ ये पता है, फिर तो बढ़िया है। डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा तो आप बैक आना है और अबाउट के ऊपर या नीचे आपको डेवलपर ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना, यहाँ पर सर्च करना, यहाँ पे सर्च करना विंडो, ये रहा विंडो एनिमेशन स्केल, इस पे क्लिक करना। अब यहीं पर है सारा माल। अब देखो अगर आप एनिमेशन स्केल को बढ़ाओगे और ये 10x कर दिया, ये देखो देखो दिख रहा है आपको ये एनिमेशन, ये देखो कितना स्लो हो रहा है देखो। तो ये जो विंडो एनिमेशन स्केल है ये बाय डिफॉल्ट 1x पे होता है, आपको क्या करना है फास्ट करने के लिए 0.5x पे क्लिक कर देना है। ये देखो कितना फास्ट एनिमेशन विंडो एनिमेशन होगा, ये देखो। तो जब ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल है इसको भी आप फास्ट कर सकते हो, आपके फोन में जो विंडो ओपन करते हो उसमें जो एनिमेशन दिखाई देता है फास्ट ओपन होगा, जिससे आपको लगेगा जो एप्स है वो फास्ट ओपन हो रही है, जो पहले स्लो लगता था वो थोड़ा सा फास्ट लगेगा। सिंपल में कहूं तो ये एंड्रॉइड को फास्ट स्पीड अप करने के लिए यूज किया जाता है। अच्छे तरह टिप्स ट्रिक्स हैक्स जो भी बताए बनता है यार बनता है, इसके लिए वीडियो शेयर कर दो, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।